नमस्कार, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश विश्वनाथ आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को आज होली महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए, आज एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है और रिसेंटली एक काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रहा है। अगर आपने ध्यानपूर्वक अपना ईमेल आईडी चेक किया होगा, मोबाइल का मैसेज चेक किया होगा, तो पिछले कुछ दिनों से ये आपके ईमेल बॉक्स में ड्रॉप हो रहे हैं। क्या है ये? इसका नाम है ई कैंपेन। स्टार्ट क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्या करना है, कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वन बाई वन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खासकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं और इनकम टैक्स उनको जो ईमेल या मैसेज के थ्रू अलर्ट कर रहा है कि एक ई कैंपेन जो आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। 5 से 10 मिनट हमारे लिए बने रहिएगा आप, ताकि हम इस चर्चा को बहुत ईजिली आपको डिस्कस कर सकें। तो आइए आज के टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ई कैंपेन, जो कि लॉन्च किया है। वेलकम, हेलो एवरीवन, वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए सर, अगर हम बात करें ध्यान से, अगर आपने ईमेल आईडी अपना चेक किया तो कुछ इस तरह का आपको अगर मैसेज आ रहा है, इनकम टैक्स ई कैंपेन। ई कैंपेन जो है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो असेसमेंट ईयर 22-23, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 21-22, आज 19 मार्च 2022 है और इसके अराउंड सरफेस में आपको ये आपको ईमेल आईडी आना शुरू हुआ होगा। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें ऐसा कुछ अगर ईमेल आईडी आ रहा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अलर्ट मैसेज है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक डेटाबेस तैयार कर रही है और जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एक बार आपको वेरीफाई कराने के लिए आपको अवसर दे रही है। अगर नटसेल में बात करें, थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो जैसे ही आप ईमेल आईडी को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी गैदर्ड हुआ है, जैसे आज सपोज दैट आप 19 मार्च 2000, ये करंट ईमेल है जो कि रात को देखिए 11 सेकेंड पे आया, यानी कि 12:11 पे आपको आया हुआ है और ये बता रहा है कि आपका जीएसटी जो परचेज है ये है, आपका जीएसटी पे टर्नओवर ये है। ये मेल की बात कर रहे हैं हम, ये ईमेल आईडी में आपको ऐसा शो हो रहा है। जब इस मेल के कुछ और भी पोर्शंस को आप देखोगे तो इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ मिलेगा, क्या कर रहा है, आपको लॉगिन करना है, व्यू करना है और पे करना है एडवांस टैक्स। ये डेटा इसलिए तैयार किया जा रहा है कि अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और उस ट्रांजेक्शन्स के करने के बाद या उस जो लेन देन आपने किया है, अगर कोई आपके टैक्स लायबिलिटी है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं 15 मार्च 2022 आपका एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि, अंतिम इंस्टॉलमेंट की ख़त्म हो गई। फिर भी ये सजेशन है कि आप अपना 31 मार्च 2022 तक भी अगर आप जमा कर लेते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ई कैंपेन में, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही हो। तो इसके लिए डिपार्टमेंट आपको ऑप्शन भी दे रही है, कैसे है वो आपको व्यू हम एक बार दिखा देते हैं। ऑप्शन दे रही है कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1, आप करेक्ट पे दबाओ कि हाँ जी मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें डराइव्ड होके आ रहा है वो सही है। अगर आपका नहीं है, इन्फॉर्मेशन नॉट फुली करेक्ट, यानी कुछ तो सही है कुछ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको जाना है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर, इन्फॉर्मेशन जो है मेरा पैन का नहीं है या मेरे पैन का है लेकिन किसी और ईयर का है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन या ईयर्स, कुछ ही और साल का था या किसी और के पैन का था, मेरा नहीं था, आप उसको मना कर सकते हो। ऑप्शन डी, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूड इन अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन 2 बार रिपोर्ट हो चुकी है, तो ऑप्शन डी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप ये कहते हो कि नहीं सर, ये मेरा तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, अगर गलती से आपके पैन पे वो डिस्प्ले हो रहा है तो आप मना भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डिनाइड। मतलब हमारे को करना क्या है, अगर ध्यान से देखें तो हमारे को करना पड़ेगा कि सबसे पहले
इस इंफॉर्मेशन को व्यू करना जरूरी है। अगर ई कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, क्या आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा जो शो हो रहे हैं वो सही है या गलत है। देयर आफ्टर आपके पास जो भी ऑप्शंस आपको दिखाए गए उसके हिसाब से आपको प्रोसीड्स करना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब सवाल है कि सर हमको करना है, कैसे करोगे आप? तो सिंपली सबसे पहले incometax.gov.in पे आपको जाना है और वहां पे आपको ये लॉगिन प्रेस करने के लिए आएगा। इस लॉगिन पे आप अपने पैन नंबर को डालेंगे और सिंपल जो आपका पैन नंबर है और जो आपका रेस्पेक्टिव पासवर्ड है उसको देने के बाद आप सिंपल पहले पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे यहां से, राइट। आप अपने यूजर आईडी, जो यूजुअली आपका पैन नंबर होता है, जो पासवर्ड आपने बना रखा है, उससे आप लॉगिन कर लोगे, राइट। वंस आप जब लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको कहां जाना है, सिंपली आपको सर्विसेज टैब में जाना है। सर्विसेज टैब, वहां पे अंदर आपको दिखाई देगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट EIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये सारे आपको मेल में जो PDF आया हुआ है या जो डेटा आया हुआ है वहां पे आपको प्रोसेस भी डिस्कस किया हुआ है। जब एक बार एनुअल इंफॉर्मेशन टैब में आप एंटर कर लेंगे, वहां से आपको एक नया पॉपअप खुलेगा जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, वहां पे आपको प्रोसीड्स बटन पे आपको क्लिक करना है, राइट। तो एनुअल इंफॉर्मेशन से ही आपको ये रीडायरेक्ट करेगा एक नए पेज की तरफ। वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, राइट। कहां पे? AIS के टैब में। AIS वाला टैब में जब आप प्रेस करोगे तो दो ऑप्शंस आपके सामने आएगा। एक तो आएगा टैक्स इंफॉर्मेशन समरी एंड सेकेंड इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये अगर ध्यान से देखेंगे आप, अभी 21-22 के लिए आना शुरू हो गया। अभी इससे पीछे कुछ दिन, एक महीना पहले तक आप देख रहे थे तो ओनली फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक का ही आ रहा था, यानी कि अभी मार्च कंप्लीट भी नहीं हुआ है और आपका जो है डेटा फेच होना शुरू हो गया कि आपके पास जो भी रेलेवेंट ट्रांजेक्शन है। तो सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन जो आपको रहेगा वो रहेगा AIS के अंदर में। AIS के अंदर में जब आप लॉगिन करोगे देयर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस का एक बार आपको समरी दे देगा। TIS भी कह सकते हैं, राइट। TIS में भी रहता है, AIS में भी रहता है। जैसे आपका बिजनेस रिसीट्स कितना है, ग्रॉस टर्नओवर कितना है, GST का परचेज कितना है, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने, ये सारे अभी समरी हैं आपके पास। जब वंस आप AIS के थ्रू आप जब जाओगे तो आपको बहुत सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। जैसे मैंने कुछ स्नैपशॉट को लिया है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला जो साइनिंग आपको दिखेगा, देख रहे हैं आप, ई करके स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे जब प्रेस करोगे आप तो आपसे यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देगा और जो ये कह रहा है कि आपका कंसेंट या एक्सेप्टेंस, या ऐसे कह सकते हो कि इस पे आपका फीडबैक जरूरी है, हमको रिक्वायर्ड कर रहे हैं। जैसे कहीं से भी GST का टर्नओवर क्या है आपका, राइट, आपका GST का परचेज क्या है, जिस जिस लोगों से आपने परचेज किया है, सारे इंफॉर्मेशन वन बाय वन टेबल वाइज आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं, राइट। जैसे इस वाले बटन पे आप प्रेस करोगे, ये ई कैंपेन वाला पे, राइट, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका थोड़ा सा डिटेलिंग खुल जाएगा, राइट। लेट सपोज इट, जैसे GST परचेज वाले पे किया आपने तो यहाँ पे फीडबैक आपके लिए खुलेगा। ये फीडबैक क्या कह रहा है कि अगर क्या आपका 51,22,449 रुपया जो है, एक पर्टिकुलर मैंने हाइड किया हुआ है, इस पर्टिकुलर बायर से क्या आपने GST का परचेज किया है? If yes, तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत है, इस बायर से तो मैंने काम ही नहीं किया, ये कैसे डाल दिया मेरे ऊपर, तो आपको यहाँ पे फीडबैक के रूप में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो AIS सिस्टम है या ई कैंपेन जो स्टार्ट की है डिपार्टमेंट ने, वो उसका पर्पस सॉल्व हो सके, राइट। तो किसी इस तरह का काम करना है तो एक समरी था कि आपको अगर ई कैंपेन आपके ऊपर आ रहा है, आपके मेल पे आ रहा है, तो आपको ये सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो अपने प्रोफेशनल से मदद ज़रूर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये कह रही है कि आपका ध्यान किधर है और आपका ये ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो इधर है, वो इधर है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।